हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ ये प्यारी सी मम्मी है। अभी हम लोग रेडी हुए हैं, हमने गेट रेडी विद मी शूट किया है जो कि अपलोड हो चुका है चैनल पे, जल्दी से जाके देखो। हम मुफ्त का खाना खाने जा रहे हैं और हम आज थोड़े से अच्छे मूड में हैं, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करते हैं आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी दी प्रॉपर आउटफिट, मैं गुनू मम्मी जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर देख लेना। अभी ना मम्मी ने एक चीज़ बोली गुनू को, मुझे बहुत बुरा लगा। इधर आना गुनू को। और मैंने पूछा मैं कैसी लगती हूँ, सुशील सुशील लगती है समझदार क्या बात होती है ये, मैं नहीं लगती हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसी, बिल्कुल सुंदर प्रिटी। अब क्या फायदा बोलने का। गुन्नू कह रही है आप मेरे से चिढ़ रहे हो, ये तो सिंगर है। मुझे यहाँ से कोलैबोरेशन आया था बहुत, हमने तो सारा खाना मंगाया और मुझे बहुत मजा आया है। हाँ, और अभी हम क्रोसो खा रहे थे, जैसे श्रद्धा कपूर खाती है, कौन सी मूवी है वो, झूठी में मक्कार में इतनी क्यूटली क्रोसो खाती है वो। अब गुन्नू एक एक है और एक गुन्नू हमारी श्रद्धा लाइट बात करती है कि मुझे तो प्यार हो गया रणबीर कपूर, कह रहा है ना उसमें, अब मैं श्रद्धा लाइट कर रहा हूँ। सनलाइट का फ़र्क कितना पड़ता है, मम्मी इतनी प्रिटी लग रही हो, मैं भी प्रिटी हूँ बट मम्मी तो हैं भी, खैर प्रिटी ज़्यादा नो डाउट। उनका इतना ज़्यादा पेट भर गया है, कि तीनों ऐसे अपना पेट पकड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खा लिया, आज मज़ा आ गया। पर अभी हम आए छोटी सी क्रॉकरी शॉप में है। So now we have decided to go to Zudio because Gunnu wanted to go to Zudio. Zudio पे बहुत सारे nail paints and काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, so I'm taking you guys along with me. ये normal day था, फिर हमने सुबह उठ के हमें एक collaboration आया, हम वहाँ आ गए, हम Zudio जा रहे हैं, तो एक fun day out kind of a video बन गया है। सस्ता भी होता है और अच्छी भी मिलती है, टॉप वगैरह बहुत कभी plain plain अच्छा मिलता है। हाँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, गुन्नू तो पहन सकती है, मैं भी पहन सकती हूँ। वैसे बोल रही थी मुझे जूडियो से कुछ नहीं चाहिए और आते ही पहली चीज़ पसंद आ गई देखते ही। मुझे पता है मुझे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल समझ रहे हैं क्योंकि मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है। और पता है कि वो क्या समझ रहे हैं, उनके ये कैसे टैलेंट है। मुझे लोगों के लुक से पता चल रहा है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा फैशनेबल समझ रहे हैं, पैदाइशी फैशनेबल हुआ है। करके देखिए छोटा है 2 इंच। लेट्स गो। मेरे पैसे तो 500-500 दस बार लेंगी तो पता कितने हो गए, 5000। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज और हमने इतनी सारी चुटर पुटर चीज़ें ले लिया जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। यही होता है बाहर आके अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हो ना तो यही होता है, जो आपको नहीं भी चाहिए होता वो भी ले लेते हो क्योंकि आपको इतना ज़्यादा क्यूट लगता है वो। काफ़ी देर पहले घर आ गए थे। अरे यार कैसे भौंक रहे हैं ये, यार क्या हो गया ड्यूक तुझे यार। पापा से पूछने लगे कि मैं आगे ज़िंदगी में क्या करूँ, कि यही करूँ या फिर किसी और चीज़ में ट्राई करूँ। पहले तो बोला टीचर बन जा, टीचर का एग्ज़ाम दे, फिर मम्मी कहती नर्स बन जा। नहीं बनना था मुझे नर्स, क्यों बनूं मैं नर्स, ला के फिर मुझे उन्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, उनकी ग्लूकोज बदलनी पड़ेगी। ये नहीं कह रही डॉक्टर बन जाती, कह रही नर्स बन जा। नर्स मम्मा नहीं थी ना मेरे पे बायोलॉजी, आपको पता है मैं कैसे कैसे पास हुई हूँ, नहीं है ना मेरा उसमें इंटरेस्ट। कहती लगते इतनी सैलरी थी उसकी, हाँ मुझे पता है बहुत कम सैलरी है मेरी अभी, बट एक तो ये जो मम्मी पापा अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं ना, अच्छे नहीं लगते। प्राइवेट करनी नहीं होती, क्यों नहीं करनी होती, कर तो रही हूँ मैं प्राइवेट जॉब।
प्राइवेट में जो कहते हैं कि 24 घंटे उनको 12 घंटे की जॉब होती है, मम्मी इतनी थक जाती हूँ 2 घंटे आने की 2 घंटे जाने की। वो तो है, थक तो जाती हूँ। हाँ पापा मम्मी को कह रहे कि वीडियो बन रही है तेरी, कम बोल थोड़ा। तो मैं जॉब छोड़ दूँ अपनी? छोड़ दूँ मम्मा, फिर क्या करूँ? आप बताओ ना, अगर आप बोल रहे हो जॉब छोड़ने के लिए फिर मैं क्या करूँ बताओ। सरकारी टेक्नीशियन बन सकती हूँ कि क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, क्या क्या काम करता है टेक्नीशियन, क्या काम खून की जांच। अगर मैं खून में मैं वो हो गई, खून देख के डर गई, मम्मी गुन्नू को बोले टीचर बन जा। गुन्नू एक हफ्ते पहले तक बनना चाहती थी टीचर, फिर उसे पता चला 3 टेस्ट देने पड़ेंगे टीचर के लिए, एग्जाम 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे टीचर के लिए। अब उसका टीचर बनने का मन नहीं है। क्या बनना है तेरे को? चिड़ैया के फर काट। चिड़ैया कैसे उड़े उसके तो फर काट दी। पापा चेस खेलने लगे, बोल दे टीचर बन जा, फिर चेस खेलने लगे। ओके बाय।